हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे महाराष्ट्र की कटऑफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में कितनी जाने वाली है कटऑफ, इसका हमने सर्वे किया। और जी हाँ दोस्तों, हम बिलोंग भी करते हैं मुंबई महाराष्ट्र से, तो यहाँ पर सर्वे करना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ पे काफ़ी जो है पहचान में भी लोग हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स भी हैं जो हमें डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं और हमें अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो सर्वे किया है यहाँ पर, तो कितनी कट ऑफ जाने की उम्मीद है और कितना जो है मार्क्स आपके अगर आस पास आ रहे हैं। MTS की फाइनल कट ऑफ की बात किया जाएगी दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर बहुत कुछ, जिन स्टूडेंट्स ने महाराष्ट्र जो है एज अ प्रेफरेंस सेट किया था, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो। तो आप सभी के लिए, जिन जिन स्टूडेंट्स ने महाराष्ट्र को चूज़ किया है अपने प्रेफरेंस में, तो वो सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट नौकरी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। जी हाँ दोस्तों, और जब भी कोई नया सरकारी फॉर्म आता है, कोई भी नोटिफिकेशन आती है, चाहे वो रिजल्ट से रिलेटेड हो, चाहे कट ऑफ से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी, यानी कि आप समझ सकते हैं कि सरकार से संबंधित जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, यानी कोई भी वैकेंसी क्यों ना हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो ISPCS की क्यों ना हो, हम सब कुछ आपके लिए लेकर आते हैं। उसके नोटिफिकेशन, उसका स्टडी मटेरियल, उसका कट ऑफ, उसके एक्सपेक्टेड सिलेबस, सब कुछ हम आपके लिए लेकर आते हैं स्मार्ट न्यूज चैनल पर। तो आपको अगर गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करते हैं, तो आप स्मार्ट न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर बहुत कुछ। तो आइए जानते हैं महाराष्ट्र में कितनी कट ऑफ जा रही है जर्नल की सर्वे करने के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, अनरिजर्व की बात करें तो यहां पे जो है संख्या बहुत ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, 10,319 फाइन, यानी 10,395 स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि अनरिजर्व से है। जी हाँ दोस्तों, जनरल कैटेगरी से। तो 10,395 के बाद जो कट ऑफ गई थी यहाँ पे MTS की 67.88। जी हाँ दोस्तों, 67.88 जो यहाँ की कट ऑफ गई थी टायर वन की। जी हाँ दोस्तों, तो टायर वन की जो कट ऑफ यहाँ पे इतनी गई थी। उसके बाद अब जो फाइनल के लिए हमने सर्वे किया कि टोटल फाइनल में कितना कट ऑफ जा सकती है, तो यहां पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमें जो हमारी पोलिंग जो हमारा था अनरिजर्व OBC SC ST, हमने ये चार जो है कैटेगरी बना के जो है आप सभी से वोटिंग करवाई और आप सभी ने जितना कट ऑफ हमें दिया उसके आधार पर हमने इस वीडियो को बनाया है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कट ऑफ गई है वो जा रही है 65। जी हाँ दोस्तों, 65 जा रही है। और दोस्तों, काफी लोग ये सोचते हैं कि टायर वन का जब कट ऑफ 67 है, तो यहाँ पे 65 फाइनल की कैसे जाएगी, ऊपर क्यों नहीं जा रही है, यहाँ पे लो कैसे। तो पहली बात तो ये दोस्तों कि ऊपर जाने का सवाल ही नहीं होता, 67 से तो ऊपर जा ही नहीं सकती, ये तो 100% श्योर है आप, क्योंकि CBT 1 के मार्क्स के आधार पे ही आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। दूसरी बात, ये कम इसलिए हो जाएगी क्योंकि 100% आपका कोई भी अटेंडेंस नहीं होता टायर टू में। जो भी है, जो भी स्टूडेंट जो है इसमें टायर वन में पास हुए थे, वो 100% अटेंडेंस नहीं दिए थे टायर टू के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है जो दूसरे एग्जाम्स में चले जाते हैं, काफ़ी लोग दूसरी जगह ज्वाइनिंग कर लेते हैं, काफ़ी लोग जो सिर्फ और सिर्फ चेक करने के लिए अपने स्किल्स को कि हम कितना जो है इंप्रूव किए हैं अपने आप, इसके लिए टायर वन का एग्जाम देते हैं। कट ऑफ भले ही बढ़ जाती हो, बट वो टायर टू के लिए एलिजिबल नहीं होते, वो आते ही नहीं एग्जाम्स को, मतलब स्किप कर देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या होती है, कट ऑफ जो है नीचे चली जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार जो भी आपने दिया था, ये आंकड़ा हमने आपको उसी आधार पे बनाया है। अब हम बात करेंगे OBC की। जी हाँ दोस्तों, अदर बैकवर्ड क्लास की बात करें तो अदर बैकवर्ड क्लास जो महाराष्ट्र में है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे टोटल आपकी जो संख्या है 5,235, यानी कि 5,235 स्टूडेंट जो है यहाँ पे एलिजिबल थे, जो आप OBC के लिए बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे जो कट ऑफ गई थी वो थी 66.77। जी हाँ दोस्तों, ये टीयर वन की कटअप में बता रहा हूँ आपको। तो OBC में जो आपने यहाँ पे 66 का जो आंकड़ा दिया था, वो यहाँ से आंकड़ा, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी कम आ गई। यहाँ पे जो आपने टोटल का आंकड़ा दिया था वो है 65 पॉइंट में है, बट आप राउंड फिगर 65 लेंगे और 65 के आसपास जो है कट ऑफ जाने वाली है OBC की। हो सकता है एक दो नंबर जो है सर्वे में ऊपर नीचे हो जाए, बट दोस्तों कट ऑफ के आसपास में अगर आप हैं तो आप फाइनल कट ऑफ के लिए जरूर बुलाए जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपके लिए OBC का हमने कट ऑफ बता दिया। अब हम बात करेंगे दोस्तों आपसे SC की। जी हाँ दोस्तों, शेड्यूल कास्ट की बात करें तो यहाँ पे 1815, यानी कि 1815 स्टूडेंट्स जो है अवेलेबल थे, लेकिन यहाँ पर आपको पता है 100% कहीं पर भी डिस्क्रिप्टिव 2 के लिए जो है बच्चे नहीं आए थे। तो यहाँ पे अगर कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपकी SC की कट ऑफ जो ज़्यादा से ज़्यादा जाने की जो आपने हमें सर्वे में बताया है, वो उसके आधार पर यहाँ पर आपकी कट ऑफ जाएगी 60 पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, 65 पॉइंट
0.5 है ये यहाँ पे, तो 65 के आसपास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो एससी से बिलोंग करते हैं और जिन्होंने अपने प्रेफरेंस से महाराष्ट्र सेलेक्ट किया है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों कि आपको यहाँ पे एक चांस मिलेगा सेलेक्शन फाइनल के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप फाइनल के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे अगर आप यहाँ पर बिलोंग करते हैं। तो अब बात करते हैं हम एसटी की यानी शेड्यूल ट्राइब्स की, और अगर शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो यहाँ पे संख्या ज़्यादा नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी यहाँ पे 1530 स्टूडेंट जो थे अवेलेबल थे जो एग्जाम्स टायर टू में बैठेंगे। बट यहाँ की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे 54 का जो है काकड़ा जो है था टीयर वन का था आपका 54.9 का, लेकिन आपने सर्वे के आधार पे जो हमें बताया उसके आधार पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपने कट ऑफ बताया है 52। जी हाँ दोस्तों, एसटी कट ऑफ जो फाइनल मेरिट तक जाने की संभावना है वो है सर्वे के आधार पे 52। तो दोस्तों अगर 52 के आसपास में भी अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर मौका है। अब हम बात करेंगे EWS की। जी हाँ दोस्तों, EWS के बारे में, तो EWS के लिए हमें 525 स्टूडेंट जो है सेलेक्ट हुए थे, और 525 स्टूडेंट्स में अब दोस्तों 100% तो आपको यहाँ पर भी पता है कि कोई भी नहीं बैठता, लेकिन अगर हम यहाँ पर आंकड़े की बात करें तो 70.44 का जो है आपका टीयर वन का कट ऑफ था, बट आपने जो हमें दिया EWS के लिए कट ऑफ वो है कट ऑफ आपका 68। जी हाँ दोस्तों, ये कट ऑफ आपके ही दिया गया है आपके सर्वे के आधार पे कि सर यहाँ की कट ऑफ जो है 68 के आसपास में रहेगी। तो जितने भी EWS वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके मार्क्स आपने देखा कि इतने के आसपास जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चांसेस है दोस्तों फाइनल सिलेक्शन के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो में कुछ कमी हो या फिर कुछ भी आपको हमें शेयर करना बताना हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और हमसे पूछ सकते हैं, अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं और जो भी आपको बताना है वो भी आप हमसे कह सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।